और वहीं कृषि अध्यादेशों को रद्द करवाने की मांग को लेकर टीकरी बॉर्डर पर धरने पर डटे किसानों के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र खुद ट्रैक्टर को चलाकर वहां आए। किसानों के बीच दीपेंद्र हुड्डा ने तीनों कृषि अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो एमएसपी पर अलग से कानून बनाए। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार 4 जनवरी से पहले कृषि कानूनों को वापस ले। उन्होंने प्रशासन को आंदोलन स्थल की बिजली न काटने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने बिजली काटी तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हाल ही में नगर निगम चुनावों को जिताने पर भी जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनावों में जहां बीजेपी साफ हो गई तो वहीं जेजेपी पूरी तरह से साफ हो गई है। दीपेंद्र ने इस मौके पर हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की। इससे ज्यादा क्या दुख हो सकता है? ऐसी कड़ाके की ठंड में कोरोना का भी टाइम था जब से आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे में किसान इतने दिनों से अपने सड़क पे एक शांतिप्रिय और अनुशासित तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहा है, मगर उसकी आवाज़ को सुनी नहीं जा रही। 45 किसानों के मैं अपने जान इसमें कुर्बान कर चुके हैं। कल कैथल ज़िले में जो है अपना भाना गाँव के अंदर कल एक और किसान ने अपनी जान दी है। कैथल के भाना गाँव में, ये बरोदा गाँव सोनीपत जिले के बरोदा गांव में मैं घर गया उनके, जिनके अजय कुंडू है, जिनके इस भाई की डेथ हुई। तीन लड़कियां हैं, कोई आगे कोई कमाने वाला नहीं घर में। तो किसानों ने 45 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। तो कि सरकार को सुनना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करना है तो विनम्र निवेदन कि ये एक जन आंदोलन बन चुका है। आप खुद देखिए प्रवीण, इतने मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जो आज यहाँ पे किसान एकत्रित है, शायद कभी देश ने नहीं देखा होगा इतने संगठित और अनुशासित तरीके, शांतिप्रिय तरीके। इस जन आंदोलन की भावना समझते हुए किसान, ये किसानों के खिलाफ जो 3 बिल है इनको वापस लिया जाए और ये 4 से पहले ही घोषणा करे सरकार। मैं मानता हूँ कि भाई जो एक नारा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, वो जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की वीर भूमि है। मगर आज ये सरकार उस नारे को भूल चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। वो नारा हो गया मरे जवान मरे किसान। आपने देखा कि वो कह रहे थे कि भाई जेजेपी की स्टेटमेंट थी, जेजेपी जो पार्टी है दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, उन्होंने कहा था कि शहर में किसान नहीं है इसीलिए हम जो है, मगर आपने देखा रिजल्ट क्या है शहर, क्योंकि देश में सभी कृषि से जुड़े हुए हैं। कोई खाता है तो कोई उगाता है तो कोई खाता है। तो मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि शहरों के अंदर इतना जो भाजपा और जेजेपी को जो है बिल्कुल का पूरी तरीके से लोगों ने परास्त करने का काम किया। जो मैंने उस दिन रिजल्ट आते ही कह दिया था, इस नगर निगम के चुनाव के बाद ये साबित हुआ हरियाणा के अंदर कि बीजेपी हाफ और जेजेपी साफ। तो लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, लोगों ने एक संकेत दिया है। सरकार अपना अड़ियल रवैया तो छोड़े, इसमें जिद ना दिखाए सरकार। मैं बार बार